बेमौसम अतिवृष्टि से श्योपुर जिले के राजस्व तहसील हलकों में 4 दिनों में हुई भारी बरसात से किसानों की पकी पकाए खरीफ की फसलों के नष्ट होने से नुकसान का मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम दिए जाने को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कांग्रेस इकाई के नेतृत्व में सितंबर माह में हुई अतिवृष्टि से किसानों की खरीफ की फसलें सोयाबीन, उड़द, तिल, मूंग और इस क्षेत्र में हजारों एकड़ रकबे की सबसे महत्वपूर्ण फसल धान अतिवृष्टि तेज हवाओं से चादर जैसी बिछकर नष्ट हो गई है। इन सब फसलों के मुआवजे और बीमा क्लेम की राशि से किसानों की आर्थिक स्थिति को संबल देने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने निम्न बिंदुओं को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम लोकेन्द्र सरल को ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन में बताया गया कि 2-3 हफ्ते में जो धान की फसल तैयार होकर घर या कृषि मंडी में होनी थी, जो कि श्योपुर जिले में हजारों एकड़ में किसान इस फसल को अपना सब कुछ न्योछावर करके खेतों में उगाता है। इसकी पैदावार 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा होती है, जो कि बाजार में 3,000 रुपए से भी अधिक प्रति क्विंटल के मूल्य पर 30 से 35,000 रुपए प्रति बीघा की आय प्राप्त होती है, जो कि नष्ट हो चुकी है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व संहिता में संशोधन कर 20 से 25,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा राशि दी जाए, जो कि उक्त फसल और श्योपुर व बड़ौदा राजस्व हल्कों में ज्यादा बोई गई थी। 1.5 माह पूर्व ही पीला मोजेक रोग से लगभग 80% फसलें नष्ट हो गई। इन खराब हुई पूर्व रोग के साथ फसलों का सर्वे उपरांत सरकार से मुआवजा 15 से 20,000 रुपए बीघा दिलाया जाए। जिले के कराहल सहित वीरपुर, विजयपुर राजस्व तहसीलों के हलकों में भी 4 दिन की अतिवृष्टि से भारी हानि हुई है, जिसके लिए भी तत्काल सर्वे कराकर मुआवजे की राशि किसानों को दिलाई जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण प्रदेश में श्योपुर जिले का किसान सबसे ज्यादा फसल बीमा करवाता है, लेकिन बीमा कंपनियां कुछ न कुछ नियम की आड़ लेकर किसानों के साथ छलावा करती हैं, अतः बीमा कंपनियों से तत्काल क्लेम की उचित राशि दिलवाई जाए। वहीं किसानों पर हुए इस वज्रपात से सांत्वना स्वरूप उनके बिजली बिल की राशि माफ की जाए। सहकारी समितियों व राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए ऋण की राशि को सरकार से माफ करने की आवश्यक कार्रवाई की जाए, जिससे पीड़ित किसानों को संबल मिले। वहीं राजस्व अमले से बिना किसी राजनीतिक सामाजिक भेदभाव से संपूर्ण जिले में सर्वे कार्य कराया जाए, जिससे पीड़ित किसानों को उचित व न्यायोचित आर्थिक लाभ मिल सके। श्योपुर का किसान इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित हुआ है, पिछले 4 दिन की जो बरसात हुई है वो पूरे जिले में बरसात के सीजन में नहीं हुई, जो अक्टूबर के बेमौसम बरसात हुई है। 100 मिलीमीटर से लेकर के 170 मिलीमीटर तक बरसात हुई है, जिसने पूरे खेतों को भर दिया, बांधों को भर दिया, नदी नाले पूरे उफान पर ला दिए। इस कारण पूरे क्षेत्र की कम से कम 500 करोड़ 700 करोड़ की फसल प्रभावित हुई है। इसको लेकर के हमने आंदोलन किया है आज कांग्रेस पार्टी ने, और मांग की है शिवराज सिंह जी के शासन से। श्योपुर का जो प्रत्येक किसान है 10 से 12 क्विंटल एक बीघा में पैदा करता है, 30 से 35,000 रुपए की उसका मुनाफा और लागत लगती है उसके अंदर, आज पूरी तरह से वो मिट चुका है, पूरी तरह से फसल बिक चुकी है। आपने देखा होगा हजारों हेक्टेयर यानी कि 80 से 85,000 हेक्टेयर धान, सोयाबीन, उड़द तमाम फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। इनको मुआवजा देने की मांग हमने की है कि प्रत्येक किसान को 20,000 रुपए से 25,000 रुपए बीघा सोयाबीन, धान और उड़द और सभी चीजों में देना चाहिए। और वीरपुर, विजयपुर, श्योपुर, बड़ौदा, कराल, 32 सारे सिपाण क्षेत्र प्रभावित हुए इससे। इसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया है जिला कांग्रेस पार्टी उसके नेतृत्व में माननीय कमलनाथ जी के उसमें, और हमारी मांग है कि यहाँ पर किसानों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो किसानों ने केसीसी ली थी उसको शिवराज सिंह का शासन को माफ करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो चोरी से सरकार बनी है वो माननीय कमलनाथ जी की किसानों के हित में सरकार जो चल रही थी, केसी उनके जो बिल और उनकी जो लागत थी उस टाइम पे 1,50,000 और 2 लाख तक के उनको माफ किया जा रहा था, लेकिन सरकार गिरा दी। आज उनका फर्ज है कि उसको माफ करे, बिजली के बिलों को माफ करना चाहिए और सोसाइटी जो खाद लिया गया उसको माफ करना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। और सर्वे पूरी तरह पारदर्शिता से होना चाहिए, कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ कांग्रेस पार्टी फिर पूरी ताकत के साथ इसमें प्रशासन को घेरेगी। इसी को लेकर हम आज आंदोलन करने के लिए दर्शन करके आंदोलन करके कलेक्टर का घेराव करके एसडीएम महोदय को, और हमने स्पष्ट चेतावनी दी है, हम धान के पुड़े लेकर के आए हैं, धान के पुड़े उनको दिखा दिए और यहाँ गाड़ के जा रहे हैं कलेक्ट्रेट के सामने कि उसको देखते रहे। फसल जो यहाँ पर लगी हुई थी पूरी क्षेत्र की चौपट हुई है, उसका ध्यान कलेक्टर महोदय से लेकर जिला प्रशासन के लोग रोज निकल करके देखें, और लगातार 6-7 दिन जो उनका सर्वे चलेगा पूरी पारदर्शिता से होना चाहिए। एक एक किसान को, चाहे गरीब से 1 बीघा का हो, 2 बीघा
बीघा का हो चाहे कितने बीघा का भी हो, हर किसी को उसका मुआवजे का पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। इसी को लेकर के हमने ज्ञापन दिया। अगर नहीं उन्होंने अगर इसको सही तरह से मुआवजा बांटा तो पिछली तरह भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ की तरह फर्जीवाड़ा किया गया तो फिर से आंदोलन करेंगे, फिर से कलेक्ट्रेट भरेंगे। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और जिला कलेक्ट्रेट की होगी।